गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल रीड लेसन नंबर 7 फ्रॉम योर बुक मोमेंट एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट लीफ। स्टूडेंट, दिस लेसन क्लियरली कन्वेज द मैसेज दैट वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स लाइफ, वी शुड हैव पॉजिटिविटी टूवर्ड्स लाइफ। इन दिस लेसन you will come to know that there are two friends, Shu and Jonesy. Jonesy Falil and Shu, her friends, Jonesy's friends, look after her and see motivate her. Jonesy was very disappointed. She was suffered from pneumonia, and let's see what happens in this lesson. इट इज़ ऑटम सीजन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। जो विंड है वो बड़ी हवा तेज़ी से चल रही है और रेनिंग हैविली, भारी बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन द आईवी क्रीपर्स, सारे जो लीव्स पत्ते हैं आईवी क्रीपर्स पे है फॉलन, गिर जाते हैं। एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक नहीं गिर। Why doesn't the last leaf fall? आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता? So let's see what happened next. Shu and Jonesy, two young artists, shared a small flat. Shu और Jonesy दोनों artist थे और एक ही flat को share करते थे, एक ही में रहते थे। The flat was on the third story of an old house. एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पे दोनों जो फ्रेंड थे शू और जोनसी रहते थे। जोनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर के महीने में जोनसी बीमार हो जाती है। सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, अपने बेड के ऊपर वो बिना हिले डुले वो सोई हुई रहती है। जस्ट गेजिंग, सिर्फ देखते रहते, क्या आउटसाइड ऑफ द विंडो से बाहर देखते रहते, चुपचाप वो मोशनलेस बेड पे लाई लेटी रहती है। शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, और उसके जो मित्र थे शू वो बड़ी चिंतित हो जाते टू सी हर डिसअपॉइंटेड बिकॉज सी वॉज इल एंड सी वॉज सफर्ड फ्रॉम निमोनिया। सी सेंड फॉर द डॉक्टर, अब जो शू थी वो डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, डॉक्टर डेली आता था। देर वॉज नो चेंज इन जोनसी कंडीशन, लेकिन जोनसी की जो स्थिति थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। वन डे द डॉक्टर टुक शू एसाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर आया और शू को एक तरफ ले जाता है और क्या कहा, इज एनीथिंग वरिंग जोनसी, क्या जोनसी को किसी बात की फिक्र है, चिंता है? No, replied Shu, but why do you ask? Shu ने पूछा, नहीं लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? The doctor said, डॉक्टर ने कहा, जोनसी it seems has made up her mind, कहता है कि जोनसी ने, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जोनसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया किसके लिए, that she is not going to get well, कि वो उसको अच्छा नहीं होना है, इसके लिए उसने अपना एक माइंड सेटअप कर रखा है क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थी और हर उसने अपनी लाइफ को, जोनसी हैड कनेक्टेड हर लाइफ विद द फॉलिंग ऑफ लीफ फ्रॉम द आईवी क्रीपर। इफ सी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, अगर वो इफ सी डजंट वांट टू लिव, अगर वो जीना नहीं चाहती तो मेडिसिन जो है वो रिस्पोंड नहीं करती, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते तो फर्स्ट लाइन लिखे होते हैं थिंक पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिविटी किसी काम के होने पे, किसी काम का होना डिपेंड करता आपके पॉजिटिव थिंकिंग पे। शु ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जोनसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, अब जोनसी आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ले, इसके लिए जोनसी ने भरसक प्रयास करी, बहुत कोशिशें की, बेस्ट एफर्ट्स किए। She talked about clothes and fashion. उसने फैशन के बारे में बात की, कपड़ों के बारे में बात की, but Jonesy did not respond. लेकिन Jonesy ने कोई रिस्पॉन्ड दिया नहीं। Jonesy continued to lie still on her bed. Jonesy
कंटिन्यूड रही, लगातार लाई लेटी रही चुपचाप, स्टिल क्वाइटली अपने बेड पे। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू जोनसेज रूम। अब शू जोनसी के रूम में ड्राइंग बोर्ड, बिकॉज बोथ वर पेंटर आर्टिस्ट, सी ब्रॉट द बोर्ड टू पेंट समथिंग एंड स्टार्टेड पेंटिंग। बोर्ड को जोनसी के रूम में लेके आई शू और ड्राइंग को बनाना शुरू किया। टू टेक जोनसीज माइंड ऑफ, जोनसी के जो कंसंट्रेशन जो डिजीज पे थी उसको ऑफ करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हर इलनेस उसकी बीमारी से उसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, शी विशल्ड वाइल वर्किंग। उसने विशल सीटियां बजाने शुरू की काम करते करते, जैसे पेंटिंग करे और विसलिंग भी एट द सेम टाइम करे, साइमल्टेनियसली विसलिंग और पेंटिंग बोथ एक्शन वर गोइंग ऑन साइड बाई साइड। सडनली शू हर्ड जोनसीज विस्पर समथिंग। अब शू ने सुना कि जोनसी विस्परिंग लो साउंड में कुछ कह रही थी। शी वाज सेइंग समथिंग टू हरसेल्फ, व्हाट वाज इट। शी क्विकली रस्ट टू द बेड एंड हर्ड जोनसी काउंटिंग बैकवर्ड। वो उसके बेड की तरफ गई और उसने सुना जोनसी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, उल्टी गिनतियां गिन रही थी। क्या? शी वाज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर देख रही थी। एंड वो सेइंग, क्या कह रही थी, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। पहले उसने 12 कहा, 12 कहा, फिर 11 कहा, देन 10, 9, 8 एंड देन 9, 8, 7। शू इस टाइप से उसने बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट की, 12, 11, 10, 9, 8, 7 एंड शी कंटिन्यूड बैकवर्ड काउंटिंग। शू एंग्सियसली लुकड आउट ऑफ द विंडो, शू ने विंडो से बाहर देखा चिंतित होके, उत्सुक होके। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उसने देखा विंडो के बाहर एक आईवी क्रीपर, एक बेल थी जो अपोजिट उसके क्लिंगिंग कर रही थी, चढ़ रही थी, क्लाइंबिंग कर रही थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और जो कि हवा चल रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग आउटसाइड द विंडो, तेज हवा चलने के कारण जो आईवी क्रीपर थी वो अपने पत्तों को शेड कर रही थी, गिरा रही थी, फॉलिंग हो रहे थे। व्हाट इज इट डियर, शू आस्क्ड, शू ने पूछा कि ये भाई क्या है, व्हाट इज दिस। 6 व्हिस्पर्ड जोनसी, जोनसी ने कहा 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वो अब तेजी से गिर रहे हैं। 3 डेज एगो देर वर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स लीव्स, देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। उसने कहा कि 3 दिन पहले हंड्रेड्स के आसपास थे, लेकिन अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। और उसने इतनी टेंस में थी कि अपनी लाइफ की कनेक्टिविटी फॉलिंग लीव्स के साथ की, ओके, जो ही पत्ते एज सुन एज द लीव्स ऑफ आईवी क्रीपर शेड, कंप्लीट शेडिंग प्रोसेस होता है, तो उसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी को जोड़ के अपने आप को माना कि मैंने भी मरना है इनके साथ। दे आर फॉलिंग फास्ट नाउ, और 3 दिन पहले 5 हंड्रेड्स थे और अब 5 ही बचे हैं। इट्स ऑटम, ऑटम सीजन है, सेड शू, द लीव्स विल फॉल, कह उसने, अब शू ने उसको कंसोल किया, मोटिवेट किया कि भाई ऑटम सीजन है, तो जो लीव्स है उनका फॉल होना, शेड होने, इट्स नेचुरल प्रोसेस ऑफ नेचर। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, सेड जोनसी ओवर फाइनलिटी। जोनसी ने कहा कि जो ही लास्ट पत्ता गिरा मुझे मर जाना है। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 डेज, अब मुझे 3 दिन पहले पता चला कि अब मुझे इनके साथ लास्ट जो फॉल होगा लीव्स, मुझे उसके साथ मर जाना है, जोनसी ने ऐसा शू को कहा। ओह दैट्स नॉनसेंस, अब उसने कहा, शू ने रिप्लाइड, शू ने कहा कि क्यों बकवास कर रही है तुम, वट हैव यू, वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद यू आर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने का
आईवी क्रीपर के पत्तों के साथ क्या संबंध, ये बकवास क्यों कर रहे हो तुम? श्यू ने जोनसे को कहा, द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर ने कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, डोंट वरी। जोनसी डिड नॉट से एनीथिंग। अब जोनसी ने रिप्लाई में कुछ नहीं कहा। शू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। शू जो जोनसी की फ्रेंड थी अंदर गई और एक सूप का गर्मा गर्म कटोरा उसके साथ लेके आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जोनसी ने कहा, मुझे सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देर आर ओनली फोर लीव्स लेफ्ट, चार पत्ते बचे हुए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, मैं आखिरी पत्ता गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। बिफोर इट गेट डार्क, शाम होने से पहले। देन आई विल स्लिप फॉर एवर, और उसके बाद मैं पूरी फॉर एवर हमेशा के लिए सो जाऊंगी, मीन्स आई विल डाई। वो इतने डिसअपॉइंटेड थे स्टूडेंट्स। मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा थ्रू दिस लेसन कि वी शुड नेवर लूज होप, क्योंकि सर्कमस्टांसेस आते हैं, होस्टाइल भी होते हैं, लेकिन विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो एंड फेस द सिचुएशन, यू मस्ट विन। शू सेट ऑन जोनसन बेड। शू जोनसन के पास बैठी, किस डर अफेक्शनेटली किस किया एंड सेड, कहा, You're not going to die. आपको नहीं मरना है। I can't draw the curtain for I need the light. अब मैं ये पर्दा नहीं गिराऊंगी क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। I want to finish the painting. मुझे पेंटिंग को फिनिश करना है and get some money for us. और हमें पैसा भी कमाना अपने लिए। Please, my dear friend, she begged Jonesy. उसने Jonesy से रिक्वेस्ट किया, promise not to look out of the window while I paint. जब मैं पेंटिंग करूं तो विंडो से बाहर नहीं देखना, प्रॉमिस करो। All right, said Jonesy. Jonesy ने अब हामी भरी, भाई ठीक है, ओके। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अपनी पेंटिंग को जल्दी से फिनिश करो क्योंकि मुझे आखिरी पत्ता गिरता हुआ देखना है। फॉर क्योंकि, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, और अब मैं थक चुके इंतजार से। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। और जैसे ये थके हुए पत्ते गिर रहे हैं, मुझे भी अब जाना है। मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करो, मुझे शांति से, लेट मी गो अवे, मुझे जाने दो, मुझे मरने दो। ट्राई टू स्लीप, सेड शू ने कहा, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक खनिक जो खदानों में खान वगैरह में खुदाई करता है उसका पिक्चर बनाना है। आई विल कॉल ब्रह्मन अप टू माई मॉडल, और अपने मॉडल के लिए ब्रह्मन जो कि उनका एक नेबर्स था, वो भी पेंटर था, 60 इयर्स ओल्ड था, उसको बुला के लाना है, मुझे उसको मॉडल बनाना है। शू रेस्ट डाउन, ब्रह्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब जो शू थे उसके फ्रेंड गई फर्स्ट फ्लोर पे। ब्रह्मन एक आर्टिस्ट था, बहुत ही उसका ड्रीम था कि He had a dream to paint a masterpiece and eventually he fulfilled his dream. और वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। He was 60 years old painter, 60 साल का व्यक्ति था। His lifelong dream was to paint a masterpiece. उसका ड्रीम था कि मैं एक मास्टरपीस, उत्कृष्ट कलाकृति बनाऊं। But that had remained a dream. लेकिन अब तक वो एक ड्रीम था, unfulfilled ड्रीम था। शू प्योर आउट हर वरीज, शू ने अपनी चिंताएं उसके सामने व्यक्त की टू ब्रह्मिन एंड सी टोल्ड हिम हाउ जोनसी वॉज कन्विंस्ड। उसने बताया कि जोनसी को कैसे विश्वास हो रखा है दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसको विश्वास है जोनसी को, और उसने ये बातें अपने जो फिकर थी, वरीज थी, ब्रह्मिन को बताया कि अपनी लाइफ को कनेक्ट कर दिया उसने आइवरी लीव्स के पत्तों के साथ। उसको विश्वास है कि जो ही लास्ट पत्ता गिरा मैं भी मर जाऊंगा। इट्स स्टूपिड, आस्क्ड ब्रह्मन। ब्रह्मन ने पूछा कि क्या वो पागल हो गई है? हाउ कैन सी बी सो फुलिश, इतनी मूर्ख वो हो कैसे सकती है? सी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू, सोने का उसको बुखार है, तेज बुखार है। सी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट ओवरेज मे लोट। शू ने ब्रह्मन को कहा कि वो तेज बुखार से पीड़ित है,
टेम्परेचर वो हर चीज़ को खाने से वो मना कर रही है, जिसके कारण मुझे फिक्र हो रखी है। आई विल कम विद यू एंड सी जोनसी, ब्राह्मण सेड। अब ब्राह्मण ने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ और देखता हूँ जोनसी को। तो स्टूडेंट, द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन यू विल बी टोल्ड टू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड नेवर बी pessimist, always be optimist, always see the bright side of life. Challenges comes in our life, so don't lose heart, be positive, go ahead. May God bless you all. Have a great day.